गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे टू बी या हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसे कहते हैं सहायक क्रिया है। तो वे वर्ब जो मेन वर्ब को अर्थ प्रदान करने में सहायता करती है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब टू बी या एक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ये निम्न प्रकार की होती है, इज, एम, आर, वास, वेयर, विल, शॉल, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड आउट टू। कैन से लेकर के आउट टू तक जो है ये मॉडल कहलाते हैं, लेकिन इसको हम टू बी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और इज टू बी है। तो टू बी है हेल्पिंग वर्ब, वे वर्ब होती है जो मेन वर्ब को अर्थ प्रदान करने में सहायता करती है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें नॉट यदि दिया हुआ है तो वो कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के चार रूल्स हैं, तो उसमें से पहला रूल, रूल नंबर वन, यदि वाक्य में टू बी या हेल्पिंग वर्ब दी हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए टू बी या हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट रखकर शेष वाक्य रचना यथावत पूर्ण करना चाहिए। यदि आपको नेगेटिव बनाने के लिए दिया हुआ है और उस सेंटेंस में टू बी है, तो टू बी के बाद में हमें नॉट रखना चाहिए, बाकी वाक्य को जैसे का वैसा एज इट इज रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रमेश वाज प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले सेंटेंस को हमको पहचानना है कि रमेश इसमें सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के जस्ट पहले जो दिया हुआ है वो है टू बी। यदि हमको टू बी समझ में आ गई कि इज एम आर वाज वेयर में से हमको वाज मिल गया, तो हम नेगेटिव बनाते समय लिखेंगे रमेश, हमको मिली टू बी, तो टू बी के जस्ट बाद हम रख देंगे नॉट, फिर प्लेइंग, फिर क्रिकेट। यदि हमें टू बी समझ में आ गई तो हम टू बी जैसी दिखी तो उसके बाद में हम नॉट रख देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल ही है हमारा, यदि सेंटेंस में टू बी है तो टू बी के बाद में हम नॉट रखते हैं। दूसरा सेंटेंस, सी विल कॉल मी, वह मुझे बुलाएगी। अब ये सी सब्जेक्ट हो गया, कॉल वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हो गई टू बी। तो इसका यदि नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे सी विल नॉट कॉल मी। इन दो सेंटेंस से ये समझ में आया हमें कि
कि यदि शॉर्ट में हम कहें तो यदि टू बी हो तो टू बी प्लस नॉट। शॉर्ट में हमको एक स्ट्रक्चर मिल गया कि यदि सेंटेंस में टू बी हो और हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद में टू बी लिखेंगे, उसके पश्चात नॉट रख देंगे। आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाकर बताएंगे, राम हैज प्लेड क्रिकेट। एग्जाम्पल फोर, सी कैन कुक फूड। एग्जाम्पल फाइव, वी हैव गॉन टू इंदौर। इनको आपको नेगेटिव सेंटेंस बना करके बताना है। तो हमारा नियम नंबर एक क्लियर हो गया कि यदि सेंटेंस में टू बी है तो टू बी के बाद हम नॉट रखते हैं। अब रूल नंबर टू कि यदि वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट रखकर शेष वाक्य यथावत रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे कुक फूड डेली। वे हर रोज खाना बनाते हैं। इसका हमको बनाना है नेगेटिव, यानी वे हर रोज खाना नहीं बनाते। दे डू नॉट कुक फूड डेली। अदर एग्जाम्पल, हम गीत गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। इसका नेगेटिव बनाना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वी हमारा सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट वी, फिर नियम ये कहता है कि फर्स्ट फॉर्म यदि है वर्ब का तो डू नॉट रखना है। तो पहले हमने सब्जेक्ट रखा वी, फिर रखेंगे हम डू नॉट, फिर सिंग अ सॉन्ग। एग्जाम्पल तीसरा, चिल्ड्रन प्ले हॉकी। बच्चे हॉकी खेलते हैं। हमको बनाना है बच्चे हॉकी नहीं खेलते। पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे हम चिल्ड्रन और उसके बाद रखेंगे डू नॉट, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है प्ले, तो रख देंगे हम डू नॉट, फिर प्ले एंड देन हॉकी। अब डू नॉट जब रखना है तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट आना चाहिए। जिस प्रकार हमने नियम नंबर एक का स्ट्रक्चर बनाया था कि यदि टू बी हो तो टू बी प्लस नॉट, उसी प्रकार यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस शेष वाक्य। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद में डू नॉट रखना है, डू नॉट रखने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, बचा हुआ वाक्य। आप लोगों के लिए होमवर्क, यू गो टू मार्केट, आप बाजार जाते हो, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि आप बाजार नहीं जाते हो। आई ईट मैंगोस, मैं आम खाता हूँ, इसका नेगेटिव बनाना है मैं आम नहीं खाता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका नेगेटिव बनाना है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये तीनों सेंटेंस के नेगेटिव बना करके आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे।
तो अभी तक हम दो रूल्स देख चुके कि यदि टू बी होती है तो टू बी के बाद में आप नॉट रख देते तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसी प्रकार यदि टू बी नहीं दी हुई हो वाक्य में और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद में हम डू नॉट रख देते तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो दोनों नियम बहुत ही सरल थे। इसी प्रकार तीसरा नियम है कि यदि वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ तो नेगेटिव बनाने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखकर डिड नॉट लिखते हुए वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलकर शेष वाक्य यथावत रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड क्वेश्चन, आपको सर पहले देखना है कि नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के चार रूल्स होते हैं। उसमें से दो रूल हम पढ़ चुके हैं कि टू बी है तो टू बी के बाद नॉट रखना है, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट रखना है। यहाँ पर देखेंगे ही सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आस्क्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हमारा नियम ये कहता है कि यदि वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म यदि है तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, सेकंड फॉर्म है तो हम डिड लिख देंगे। डिड लिखने के बाद में देखेंगे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया, इसको फर्स्ट में बदलना है, ईडी हटा देंगे, बच जाएगा आस्क अ क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बनेगा कि यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट लिखना है, फिर उसके बाद में ये ध्यान रखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फिर शेष वाक्य जो भी वाक्य होगा आपका बचा हुआ वो वाक्य लिखना है। तो अभी तक हमारे पास में तीन रूल्स हो गए कि यदि टू बी है तो टू बी के बाद नॉट रखने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट रखने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट रखना पड़ता है, साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब एग्जाम्पल दूसरा हमारा, राम प्लेड हॉकी, राम ने हॉकी खेली। अब हमको हिंदी में बोलना है कि राम ने हॉकी नहीं खेली तो नहीं लगाने से बन गया, लेकिन इंग्लिश में राम प्लेड हॉकी का नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। पहले नियम के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, राम प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट रख देंगे, प्लेड का हो जाएगा प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे और हो जाएगा हॉकी। अब जैसा राजा कुक्ड फूड, राजा ने खाना पकाया, राजा ने खाना पकाया, हमको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, राजा ने खाना नहीं पकाया, सब्जेक्ट लिखेंगे राजा, नियम नंबर तीसरा लग रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रख देंगे डिड नॉट, कुक्ड का कर देंगे कुक और फूड। इसी प्रकार एग्जाम्पल फोर, रमेश सेंग अ सॉन्ग, रमेश ने गीत गाया। अब हमको बनाना है कि रमेश ने गीत नहीं गाया तो हिंदी में तो बोल देंगे कि रमेश ने गीत नहीं गाया, लेकिन इंग्लिश में बोलना, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे कोई भी नियम के अनुसार नेगेटिव बनाओ, सबसे पहला काम तो सब्जेक्ट हमको लिखना ही है। अब सेंग वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेंग सेंग संग, तो सेंग आया है तो हम यहाँ रख देंगे डिड नॉट, साथ ही सेंग का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग अ सॉन्ग। अब इसके पश्चात हम रूल्स नंबर देखेंगे फोर, कि यदि सेंटेंस में टू भी नहीं आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आया, सेकंड फॉर्म भी नहीं आया तो क्या होगा, यदि वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस
ईएसआईएस हो तो नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डज नॉट रखकर वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना चाहिए एवं शेष वाक्य यथावत रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को हमको बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस तो हम इसको देखेंगे कि इसमें टू बी नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी नहीं है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। तो नियम नंबर 4 ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, रमेश गोस, गोस में ईएस लगा हुआ है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस आई एस लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद हम रख देंगे डज नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो एस ई एस आई एस लगा हुआ है, इस एस ई एस आई एस को, इस एस ई एस आई एस को हम हटा देते हैं, तो बचेगा हमारा रमेश डज नॉट गो टू स्कूल। सॉरी, यहाँ पे एस ई एस आई एस होना था। एग्जाम्पल दूसरा, सी कुक्स फूड डेली, कि वह खाना पकाती है प्रतिदिन। अब इसको नेगेटिव बनाना है हमको, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई एस लगा हुआ है। नियम ये कहता है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई एस लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट रखना चाहिए। डज नॉट रखकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यस ई एस आई एस को हटाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदलना चाहिए। तो सी, यहाँ पे वर्ब में यस ई एस आई एस लगा हुआ है, तो हम रख देंगे डज नॉट। कुक्स का कर देंगे कुक, फिर फूड डेली। इससे भी हमको एक सूत्र या स्ट्रक्चर मिल गया। स्ट्रक्चर ये है कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई एस हो तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डज नॉट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर शेष वाक्य। चौथा स्ट्रक्चर मिल गया हमको कि यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें यस ई एस आई एस लगा हो तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डज नॉट रखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। एग्जाम्पल तीसरा, सी प्लेस टेनिस, वह टेनिस खेलती है। हमको बनाना है वह टेनिस नहीं खेलती, तो सी प्लेस का हो जाएगा प्ले, लेकिन यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है तो हमको रखना पड़ेगा डज नॉट। प्लेस का हो जाएगा प्ले और टेनिस। तो इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस को चार नियम के अनुसार बनाते हैं। चार नियम के अनुसार यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सेंटेंस के चार प्रकार दिखाई देंगे। ये हो जाएगा टाइप ऑफ सेंटेंस, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब जैसे आपका टू बी वाला है, तो टू बी यदि दिखाई दी सेंटेंस में, तो टू बी के बाद में हमको जस्ट सिर्फ नॉट रखना है, पूरा सेंटेंस लिख देना है, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा है, हम बना देंगे ही वॉज नॉट प्लेइंग। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू नॉट रखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा प्लस शेष वाक्य जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। टू बी है तो टू बी के बाद नॉट, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट। यदि दोनों सेंटेंस नहीं आए नेगेटिव बनाने के लिए, तीसरे प्रकार का सेंटेंस आ गया जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट रखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फिर शेष वाक्य। तीसरे नियम में ध्यान रखना है कि जैसे हम डिड नॉट रखते हैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। यदि टू बी वाला सेंटेंस भी नहीं आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला भी नहीं आया, वर्ब के सेकंड फॉर्म वाला भी नहीं आया, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ई एस आई एस वाला सेंटेंस होगा जिसको हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में डज नॉट रखना पड़ेगा, फिर साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा, फिर जो बचा हुआ है वो वाक्य। तो इसमें पहला वाला जो है टू बी के बाद में नॉट इजीली रख सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए बी इजीली आपको पहचानना आना चाहिए, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद डू नॉट रख लो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहले इसमें नॉट रखना है उसमें डू नॉट। तीसरे इसमें यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जब दिया हुआ है तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, पहले उसको पहचानना आना चाहिए, जैसे पहचानना आ गया तो आप डिड नॉट रख दोगे। डिड नॉट रखने के बाद में यहाँ पर ध्यान देना है विशेष तौर पे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। चौथे वाले नियम में यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस आएगा तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डज नॉट रखना है, डज नॉट रखने के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस जो लगा हुआ है उसको यदि हटा देंगे तो आपको ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा, फिर रख देंगे शेष वाक्य। तो ये थे नेगेटिव के चार रूल्स। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर।